गुरु गोविंद सिंह साहब ने सिखां नूं कशहरा पवाया, जिन्हां नूं सिंह सजाया। सहजधारियां ने भावें कशहरे नहीं सन, इहो जिहे वी नाल सन गुरु साहब दे, साहिब राम कौर जी जैसे। इतिहास दसदा है कि सिर मुनिया होया, पास बैठे हन बराबर। सिखां कहा महाराज इन्हां दे सिर ते केस नहीं, कहिंदे भाई इन्हां दे अंदर नूं वधे होए ने। इह ते उह जाणदे ने, पर जिन्हां नूं सानूं अमृत छकाया, कशहरे पवाए, सिंह बनाया, भाई देखो दाड़े, केस, शराब, मांस और तमाकू वाले को जाके खाते हो, उन्हों का धुआं लेंदे हो, उन्हों दुकाना से जो खाते हो, भाई फिर अर्ज यह है भी मैं तो अर्ज कर दी है। सतगुरु जिस वेले आवे मैं तो कह देंगा कि मैं अर्ज कर दी है, जे ना मनोगे, जे कोई गल हो मेरी हूं जिम्मेवारी थी। मांझा बीबिया के अर्ज है, थानू बड़ा वक्त मिलता है, चक्कियां नहीं तुम पीदियां, चरखे नहीं कर दियां, तुसी ओनी माला होर फेरिया करो, तुहाडे बच्चे तुहाडी संतान जिहड़ी है ओह इहो जी पैदा होवे कि भगत जमण, सूरमे जमण, दाते जमण, सिख पैदा होण, आदमी पैदा होण तुहाडे चों। और मैनू इन्नी खुशी है भी जो कुछ मैं आख्या सी उहदे ते बहुत सारा असर हो गया है। ते जिहड़े जिहड़े सज्जणां ने ओह गलती कीती होवे, ओह किरपा करके सवेरे आसा दी वार जा के अगे वास्ते, क्योंकि असीं फखर नाल कह दिंदे आ जा के भी साडे सियाम च कोई सिनेमा नहीं देखदा। मांझा ने कुंड ला दिते, मैं उठे जाके आख्या भी साडे सियाम वालियां ते ला दिता भी बीबीओ तुसीं उत्थे भी जिहड़ियां साडे आखे लगियां ने ला दिते ने। पर मैनूं ऐसा मालूम होया है भी जिदन मैं इत्थों गया जिहड़ियां उदू बाद साडियां मांझा बीबियां आईयां ने, ओह अजे लखां ने कुंड कढ़दियां, इदू भी डरदियां भी कोई सानूं आखे बिना ते छड्दियां भी अजे नहीं। ते ओह ना सज्जणां अगे भी अर्ज है जिन्हां दे ओह घरां वालियां नूं किरपा करके, कि साध संगत है जे तुहाडे नेत्रां शर्म है ते सभो कुछ है, जे नेत्रा शर्म नहीं फिर कुछ नहीं बनता। मैनु गल याद आ गई है गुरु अमरदेव का हुक्म कि कोई माई बीबी दवान च कदे घुंड कढ के ना आवे, ये साडी गुरमत है। सूरज प्रकाश च प्रसंग लिखिया, मंडी वाला राजा आया, ओदिया दो तीन राणिया सन, जेडिया दो आईया ओ ते नंगे मूह आ गई, एक सी जेडी नवी भी आई ओ टाके आई, कहंदे ने चली तू इत्थे क्यों लियांदी है, ओ पागल हो गई, ओ पागल हो गए लीड़े पाल के निकल गई बाहर, और जंगल च पाउंदी रही है। साडी गुरमत है, सतगुरां दा हुक्म है। ते फिर बुरा हाल उहदा होया, फिर एक सिख नूं गल पई, उह लैण जांदा सी सचन सच, उहदा नां सी, उह रोज बालण लैण जांदा सी, उहने आखिया महाराज मैनूं बुलाओ, आखण लगे लै जोड़ा लै जा, साडा गुरु अमरदास देव जी ने कहा जदों आवे उहदे सिर च मारी, उहनूं होश आ गई, सिख ने अपनी चादर दित्ती लियांदी, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਹੈ। ते ए गल याद कर लो भाई, जिन्हां दी कोई गलती फलती होवे ओ सवेरे मैं फेर कहना आसा दी वार च आप होग पे तो बाद खलो के साध संगत तो बख्शा लैण दी, असीं अगे नूं नहीं ये काम करते। ते जिन्हें किसी ने आनंद करना होवे ओ जिदन मुड़ के आईए चंगमई तो उदो अपनी तैयारी कर छड्डण, फिर मुड़ के पता नहीं किस वेले जाइए की गल करिए। ते भजन बाणी दी गल है, रोज नितनेम, मैं तो यह चाहना कि माइया एक वक्त धर्मशाला जाके नितनेम साड़ी च करिया करन, सिंह एक वक्त करन, माइया वखरिया जाके बैठन, जगह छोटी है, सारे शरीर कट्ठे नहीं हो सकते, नाले माइया नूं दिने उहना विहार नहीं हुंदा, ओह तूं पहला घंटा कर लैण, जां सवेरे माइया कर लैण शाम नूं सिंह, जां सिंह सवेरे कर लैण माइया शाम नूं कर लैण, भजन बाणी करोगे। सतगुरां ने जिहड़ा आखिया ना भी होऊ आटा सने राजा परजा दी दलिया जरूर होऊ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਚ ਪੀਸੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਉਹ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਲਾਲੀ ਰੰਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਗੀਏ ਸੰਤਾ ਸੰਤਾ।
श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी ने यह पुत्र उपदेश बंकोक विखे 5/12/1948 नूं सात संगत दे भले लई उच्चारण कीते। पालत है रिब गालत है दिप मारे पीड़ित है जग सुख को मग पांचन के ठग कह हो सावे चाहे नहीं परवार नहीं नर नाए जे जो दिन सदा जस गावे। त्रै सुर त्रै पुर त्रै गुर को जस वैजुर के गुर नेत कहे है गाए रहे नित प्याए रहे सित लाए सित नित न भेद लाए है सब संति आनंद कहे जय को मन चंद बेअंत से भेद रहे है दीन दयाल या मेरे गुरु हमारे गुरु तीसरी पातशाही का मंगल संत जी करते हैं क्योंकि पहले त्याग से अकाल पुरख का मंगल दूसरे उत्ते गुरु नानक देव का तीसरे उत्ते गुरु अंगद का और चौथे उत्ते गुरु अमर देव का मंगल आया। हाँ जी सतगुरु कैसे हैं सुखा दे देने वाले हैं दुखा नु दूर करने वाले हैं ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਜਨ ਜੋ ਦਰਸਾਵੇ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਤ ਹੈ ਰਿਪ ਗਲਤ ਹੈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਕ ਰਿਪੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਦੇ ਹਨ। जो सतगुरु दे गुरु अमरदेव दे दर्शन करता है वो प्रकाशवान हो जाता है। क्रीड़ा करते हैं जगत उत्ते खेल करते हैं जगत नु सुख देने दे वास्ते नग पांचन को ठग कै उलसावे पुरुष लैंदा है सुख जगत दे गुरु नु जेड़ा त्यौंदा है ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇਰੋ ਜਨ ਹੋਏ ਸੋਏ ਕਤ ਡੋਲਾ ਤੀਨ ਭਵਨ ਪਰ ਛਾਜਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਸਕੈ ਕੋ ਜਨ ਕੋ ਬੋਲ ਸਕੈ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ चाहे नहीं परवाह नहीं नर नाहे जो दीन सुभा जस गावे ओ जो नरा दा ना है सतगुरु जेड़े ओनु मिलदे हन ध्यान से जी कहंदे ने मैं दीन उसका सदा जस गाउंदा त्रै सुर त्रै पुर त्रै गुर को जस कहंदे ने तिन्ने ही सुर देवते ब्रह्मा विष्णु शिव तिन्ने ही लोक धरती आकाश पताल त्रै गुर तीसरे गुरु अमरदेव दा जस मैं वो जुड़ करके तिने लोग तिने देवते सतगुरु गुरु अमरदेव नु कहते हैं नेत 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 कथंत बेदा नेत दा अर्थ है कि नए दी इतना नहीं इतना भी नहीं वो बड़े तो बड़ा है। वेदा विच की लिखा है कि अनुरणियां अनु जेडे सानू मग विचों दी किसे वेले धुप दे नाल बरीक दिखदे हन उहनां से बरीक है मैं तो महियान वड्डे से वड्डा है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब इसे दा उलसा करके अपने दसम पातशाह जाप दे पिछे जेडे हजारे हन उहनां दी बिलावल विच कहंदे ने सूक्ष्म ते सूक्ष्म कर कीने अनुरणियां ब्रिद ब्रिद बताए वड्डे से वड्डा है मैं तो महियान।
गाए रहे सतगुरु का जस नित त्यादे उस याद करते हैं बिरतिया ला के जुड़ के शिव जी आदक ने ध्यान लगाया पर ना भेद रहे हैं गुरु दे भेद नू नहीं जान सके कोई नहीं समझ सकता कि वो क्या चीज है वो बेअंत को बेअंत ही बेअंत है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते बेअंत 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 को करंत पाठ देखिए बेअंत लोग ही उस बेअंत का पाठ करते देखी रहे हैं कि तू बेअंत है तू बेअंत है तू बेअंत है कोई जान ही नहीं सकता। सब संत आनंद कहें कहे को सब संत जेड़े हैं महापुरुष को कहने अन अंत उसका अंत नहीं कोई जान सकता। मम जंत बेअंत सो देत मम जंत बेअंत सो देत रहे मेरे जैसे बेअंत जनता नु सतगुरु देने वाला है कोई गिनती नहीं जिन्हें नु दान दिंदा है। दीन दयाल अमर गुरु दीना दे दयाल हैं सतगुरु अमर हैं वो मरने वाले नहीं सतगुरु अमर है ना वो कदे मरिया है ना वो मरे ना हो वैसे हो वो मरने वाली चीज नहीं। तीसरे पातशाह गुरु अमर देव जो हैं ध्यान मरगिंद सहेत गए ध्यान सिंह जी कहते हैं कि मैं गुरु अमरदेव के चरणा नु प्रेम दे नाल ग्रहण करना पकड़ना क्योंकि गुरु के चरण पड़िया गुरु चरण सरेवत दुख गया गुरु के चरण जदों मिले कोई चीज नहीं जेड़ी फिर अरे विवानंद लाल जी इस तो भी अगे कहते हैं कहते खाकरा सुतिया ए चशम मास मेरिया अखां दा होवे सुरमा उन्हां दे चरणा दी धूड़ क्यों भाई कहने ने आबरू अफजाए हर शाह होगा दास वो हर एक भी इज्जत बढ़ाने वाली है जे बादशाह सतगुरु के चरणा की धूड़ लेंदा है ओदी भी इज्जत बढ़ती है कि बादशाह सतगुरु के चरण ही लगिया अगला लोग साफ कर लिया इतने जे कोई पाप कर बैठा जे किसी नाल धक्का कर बैठा है तो सतगुरु के जे चरण ही लगिया तो दूर हो गया ओदे तो ओदे पाप दूर हो गए। गदास गरीबा नु जिन्हां नु धूड़ मिलती है उन्हां नु पातशाह बना दिंदी है सतगुरु के चरणा की धूड़ जिन्हां जिन्हां नु मिली जिन्हां दे मथे लगी नामदेव जी कहते ना मेरे माथा लागी ले धूड़ गोबिंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन हूं दे दूर सब सिंह सुनो सोरी कहने संत जी कहते मेरी बेनती है सात संगत सारे सिंह सुनो भाई जान दीन कर चोरी निम्र भाव सो सुनाए है दीन गरीब हो करके जान निम्र भाव नाल अर्ज करदा है सुने मन लाए आज बंदे दास पाए सुनो मन लाए मन ला के सुनो पहले दास नमस्कार करदा है चरणा उते ओ बिगना नसाए पुरा गुण प्रभु गाए है मैं चरणा दे नमस्कार करा मेरे सारे बिघन दूर होण गुरु अमरदेव के चरणी लगे ता मैं दास जस गान करा गुरु का कथा गवा कीजिए साए सब संत सुख दाए हे संत महापुरखो मेरी सहायता करो सारे रल के जस राम मृग गाए जसा मत सो अदाए है सतगुरु राम सिंह का मैं जस कह लगा संत महात्मा मेरे से कृपा महापुरुष करन मेरी जो मत है जिस मत मेरी मारी मोटी बुद्धि है मैं उस अनुसार सतगुरु का जस कवा मेरे से कृपा करो मैनू श्रेष्ठ मत दियो सा मत दी जाए जित तुद त्याई सा बुद दी जाए जित विसर है ना चित हित नित तन नर सुख दाय है चित विच हित पैदा होवे प्रेम जाके और मेरी मनुखा दे जेड़ी है सुखली हो जाए गुरु का जस कहन करके मोर मोर बुद्ध तुच्छ है ना जानत ना कछु आहे मेरी बुद्धि बड़ी तुच्छ है जानत ना कुछ आहे जानदी कुछ भी नहीं जिन्हां ते कृपा हुंदी है जिन्हां नू बख्शिश करदा है जिन्हां नू गुण बख्शदा है जिन्हां नू कुछ दिंदा है दान वो कहंदे ने मेरी बुद्धि किसे कम दी असी एवें कबीर जी कहंदे ने कहां नर कर कुछ थोड़ी बात बहुत प्रताप गांव सौ पाए ऐंदो टेंदो जा दो लख का बुरा कहां नर कर बस थोड़ी बात
बहुत प्रताप गांव सब पाए मानदस नाच टका चर गांठी ऐंडो टेंडो जा बहुत प्रताप गांव सब पाए दो लख टका बरात दिवस चार की करो साहिबी जैसे बनहर पात ना को ले आयो ए तानो ना को ले जात रावण होते है छत्रपति खिनमय गए बिलात हर के संत सदा फिर पूजो जो हर नाम जपात कह कबीर राम भाई बोरे जन्म आधार किया एक कवि ने किया है कि बड़े बड़े राजा यहाँ के लाख नौ नगारा बाजे यहाँ के रथ पहियन सो सातों सिंध खाते हैं एडे एडे राजे जिन्हों के नौ नौ लख नगारे कट्ठे बजन और जिन्हों के रथा के पहिया नाल समुद्र बन गए संत गुलाब सिंह जी भी कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं बलिमान धाता दे राजा महीपम जिन्हें रथ चक्रन किए सात दीप जिन्हों के रथा के पहिया नाल सत समुद्र बने सत दीप बने ते उबांध के काल जेल चलाए काल ने बन के भी चला दते गुलाब सिंह जी महात्मा पावर सामृत कहते हैं हाँ जी बड़े बड़े राजा फिर कहना जी जो याद आ पावर सामृत जिनके रथ नेम तारण ने सत सागर है अब लो जग माही जिन चांप के गोशन के बलते सब सैल बटोर तरे तरमाही सुर राज डरे जिनके बलते जम राज जिते जिहने जग माही मन ते जग भीतर ना रहे और रहे करो को जग माही कहने जिन्हां दे रथां दे पहियां नाल अज तक सत समुंदर बने हुए जिन्हां ने तनिष दे गोशे नाल एक पासों ऐ चुक चुक के कठे करके पहाड़ कठे कर दते और सुर राज इंद्र डरदा है जिसके बल तो रावण दे तो जमराज नु जिसने अपने काल नु पावे नाल बद्धा होया है वह मन ते जग भीतर ना रहे अब और रहे कहो को जग माही वो बड़े बड़े राजा जहाँ के लाख नौ नगारा बाजे जहाँ के रथ पहिए सो सातों सिंध खाते हैं कोट युग आर जा करोड़ा युग आर जा असि सौ वरा भी कोई नहीं सिरे चढ़ा पंजा सठा वरिया जी आकर के मर जाने हैं कोट गज बल ता को करोड़ा करोड़ा हाथियों का बल जाका एक ही तनिष्ठो वैरी सब डांटे हैं इक्के तीर नाल सारे वैरी दूर कीते ते उ मृतक भये अब नाम होना लेत कहू कहीं कहूं बेदे और पुराण वो राते हैं वो मर गए कोई ना नहीं लेंदा कहते कहते बेदा पुराना जो उन्होंने साखियां लिखी हुई तू जो कहते हो वही पद वो तेरे जैसे गीति बाबा केते काल काते गुरु साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब कहते हैं एक शिव भये एक गए एक फेर भये रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है बोनरी मुदार के ते अश्विनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस भये है पीरे उपकम्बर के ते घरे ना पड़ते ते खूब ही ते होगा सब खूब में मन नहीं ये चीज है भाई तू जेड़े गर्भ करने वाले हैं जिन्हों का गर्भ हाँ जी मेरी बुद्ध तुच्छ है जेड़े गर्भ करते हैं उन्हों का कुछ नहीं रहता गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह आनंदपुर साहिब एक दिन बैठे हैं बैठे बैठे हुक्म देंदे हैं कि भाई कोई आदमी इस वक्त दस सकता है कि कबीर जी दे वक्त राजा कौन थी कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कहने देखो कबीर जुलाह है तुसी किसे नु जाके पुछो ते लोग कहणगे भगत कबीर होया है नाम दा प्रताप है उस वेले दे राजे दा नाम ही किसे नु आ कोट लाख सर्ब को राजा जिस हिरदा नाम तुम्हारा जहाँ को नाम न दिया मेरे सदगुरु से मर जन्म है गावारा कहने मोरी बुद्ध तुच्छ है संत जी इतने गुणी हो करके विद्वान मैं इन्हों का दर्शन किया मैं आज का भी पाठ दसम का इन्होंने को महात्मा को किया बड़े विद्वान से बड़े सियाने थे लेकिन निर्माण भी उतने ही से जितने विद्वान से हाँ जी तो लगे प्रेम हेम पारस बनाए है पर गाले है मेरी बुद्ध तक किसे कम दी नहीं पर जे लग जाए पारस रूप प्रेम ता फिर मनहूर नू भी सोना बना सकता है मेनू प्रेम सतगुरु का लगा है वाली कृपा होवे संता महापुरखा दी ता पारस जेड़ा वो हेम बना देवे मेनू मेरो मन उड़ जे मन उड़ समया है छोहे कुल जासो संगत लो
रंग के फिर आया है। मेरो मन कूर जे हो मरूर के समान आए, कुछ अक्षर रह गए। मरूर समान, हाँ जी, मेरा जो मन है वो पूरा है, पूरा है और वो मरूर जैसा है, पर सतगुरु का जस जेकर मेनू छो जावे तो मेरा रंग पलटा देवे, सोना बना देवे। कृपा निदान गुर सुख के खान संत, सतगुरु कृपा दे निदान संत सुखां दी खान हन। ध्यान सिंह जंत बन के, ध्यान सिंह जी कहंदे ने मैं जंत करोड़ां बार संतां दे और सतगुरां दे चरणां नूं वंदन करदा। तुलसीदास जी कहंदे ने वरनो संत सज्जे दे चरणां, कहंदे ने मैं दोहां नूं नमस्कार करदा। क्यों कहंदे ने एक मिलत दारन दुख दे, एक तो मिलते हैं तो दुख देंगे, एक पिछे तो प्राण हरने ही। जेडे सज्जन पुरशां नूं मिलते हैं तो दुख देंगे, क्यों क्यों मिलने से दुख प्राप्त होंगे, अगे दुख तो दोए देंगे ना, इस करके मैं दोवां दे चरणां नूं वंदना करदा। जेडे संतां नूं विछड़दे ने ते प्राण खिंच लैंदे ने, उन्हां दे विछड़ने से दुख होंगे। सतगुरु राम सिंह हरि रूप है, अकाल पुरख है, संगत सारी उसकी वर श्रेष्ठ है। भाई स्त्रियां पुरुष सिख सिखनी साध संगत सतगुरु का जस सुनो भाई सारे मिलके। इस तरह भाई राय सिंह जी आए, नाम पुछया सतगुरां नूं मिले ते कहंदे ने भैणी साहिब दे विच उस वक्त लगे रहन सिख गुर के पाए, गुरु जी दे पास सिख लगे रहन। त्योदो सिख राय सिंह समेत, उदो कुल 13 सिख सन सतगुरां दे पास, सारे राय सिंह दे सहित। हे तब गुर फिर मुक्ति है, एक मुक्ति है सतगुरां दे कोल काहदे वास्ते, अपनी मुक्ति वास्ते, के साडा दुनिया चो ये जमण मरण दा जेड़ा जिंदरा, ये जेड़ा जमना मरण दा फांसी है, ये मेरी सतगुरु दे चरणा नाल लग के कटी जाए। एक दिन सतगुरु वाके लायो, सतगुरां ने एक दिन बचन कीता, राय सिंह को पास बुलायो, राय सिंह नु बुलाया पास। दशमेश्वर की रीति सगरी, जो गुरु गोबिंद सिंह साहिब की रीति है, मैं हुण अर्ज करा। एक सेठ जी मेरे नाल सन, असीं हजूर साहिब दे दर्शन कीते आ, कोई सज्जन जे किसी ने कीते होण उसनूं इह पता हो सकदा है। उथों की मर्यादा यह है कि जिस वक्त इस वक्त रह रास का भोग पैदा जाए तू कुछ थोड़ा चिर मगरों असी कह नहीं सकते। जिस वक्त अरदास हो जाए तख्त साहिब के हजूर जितने भी सिंह होंगे सब एक दूए के चरणी हाथ उ लाते। हजूर साहब रह रास के भोग तो बाद असी उथे रहे, लंगर किया, साध संगत की सेवा असी की करनी है। गुरु की चीज है वह देने वाला वो लैन वाला, पर उथे एक दिन रहे हैं, दर्शन दो बेर मैं कर आया। उथे गए जाके रात रहे, शाम के वक्त रहे रास का पाठ जिस वक्त सुनिया, ग्रंथी सिंह ने पाठ किया, अरदासा होया, परिक्रमा लगे करन। जेड़े सज्जन जा रहे हैं अंदरला दरबार गुरु साहिब का, बाहर एक जगह सामने बनी है जिदे विच पंज दरबार प्रकाश होंदे ने, वीरा महाराज दीआं जिन्हां जिन्हां आदि दीआं और दो दसम दीआं, ये पंज वीरां दा प्रकाश बाहर होंदा है और प्रक्रमा आलय भी बनाई हुई है। ये सरदार लहना सिंह मजीठिए ने उस जगह बनाई है, जाके तख्त साहब का दर्शन करिए। मैनू याद चंगी तरह नहीं पर 18 पौड़ियां उच्चा है जमीन, जितों तक मैनू याद है। और इस तरह बनाया है क्योंकि अमृतसर का दरबार साहब गुरु साहब ने बनाया है, वो इतनी जगह हुई जी कहते दुनिया च नहीं। उथे एक तंगी मलूम होंगी है जिस वे पाठी सिंह बैठा है, रागी बैठे हो, परिक्रमा करने वाले प्रकाश कीते हुए महाराज की भीड़ तो उसे तंगी होंगी, पर
उथे जाके जे देखी असी ता ऐसे कहदे नाल उन्होंने जगह बनाई क्योंकि अमृतसर जी का दर्शन कर गए सी। उन्होंने देख के जाके सतगुरु ने अपनी बुद्ध दिती सरदार लहना सिंह नूं खब्बे पासे का दरबार ने एक पासा बनाया सज्जे दा बनाया बहादरी खब्बे की अजे रही सी। महाराजा रणजीत सिंह गुजर गए सरदार जी विचे छड़ के आ गए। जिस वक्त अरदास हो जाए सिंह परगमिया करते हैं जिनी साध संगत उत्थे हुंदी है सब एक दूजे ने करनी है सर उत्थे सामने महाराज दी तख्त दे लाउंदे कोई यह नहीं भी हेठ उतर के कोई जाके लाउंदा ये उत्थों की मर्यादा। हाँ जी रोज रहे कर तें जाई तें साई। भाई साहब राय सिंह गुरु सतगुरु राम सिंह जी कहते हैं कि भाई कुछ दिन उथे रह के लिख लिया वो रीति समझाई उथे रहो कुछ दिन रह यो नहीं एक दो दिन च नहीं पता लगता सारी मर्यादा का अभी अठ पैर रहे हैं पूरी गल नहीं समझ सकते गुरपुरबा उ की कुछ बनता है किस तरह बाहर जिस वेले निकलता है महाराज का सवारा वो किस तरह निकलता है घोड़े किस तरह शिंगारे जाते हैं सिंह किस तरह बाहर जाते हैं की कुछ होता है। भाई तू उसे कुछ दिन रहो और सारी रीति लिख के ले आ क्योंकि पंजाब विच उस वेले गुरु गोबिंद सिंह की रीति खत्म हो चुकी है। कोई आदमी उस वेले जेडे सिखां दे असूल सन छड बैठे सी ज्ञान सिंह जी ज्ञानी ने लिखिया मैं अर्ज कीती सी जाग जिन के वडेरे बाणी पढ़ते सवेरे वो कहते तिनी के नाती धूप दीप की कहा मुखिया सी। फिर कई बार पार है कई बाल पारते हैं कई ओचे हैं कई विचो चुगते हैं काले बाल रह जान तौले ओचे मोचने का नाक नोचे कई मोचन नक के बाल फुटते हैं कई दाड़ पाड़ है कई इतो सफाई करते हैं हाथ मास पै चलाया कई इतो मथे दिन चुंडा कटते हैं। भाई साहब जी कहते सिंह के पूत सिंह नाम मजबूत वारे हाए वे कसाई रहे सिखी दो उठाए सिंह के पुत्र जिन्हों के सिंह नाम से वो सिंह नाम वाले मजबूत सहचारियों की गल नहीं सी सिखा की नहीं सी सिंह नाम मजबूत वारे वो सिखी रूप गऊ नू कसाई बन के कतल कर रहे। निजतिया तज उल्टा पि विचारन मुंडियो संग रमय है जे तिनके संगी बाद फरंगी बहुत नमर्द थवाए है जे सिंह सुनहरी कब्जे वारे तिने मश्करी लोग करे जब तक संयम कर्म धर्म तज पै कुकर्म में सोऊ मैं। सिखा की हालत मुंडे सिखा रखे कंजरिया सिखा ने रखिया अपने घर छड़े और फिर बीमार होए तुरिया नहीं जाता तो लोग मखौल करते सिंह का भाई सुनहरी कब्जा तलवारा ने कब्जे होंगे ने सिंह ने सुनहरी पाए हुए ये मखौल बन गया सिखा वास्ते। भाई जी कहते तिनके संगी बाद फरंगी बहुत नमर्द लोया जे सिंह सुनहरी कब्जे बारे तिने लोग मछकरी लोग करें तुरिया नहीं जाता जो चौड़ियां लत्त करके तुरदा तो मखौल होंगे क्योंकि जब तब संयम कर्म धर्म तज पै कुकर्म में सो मर है वह कुकर्म पै गए और रीत और प्रीत और प्रतीत रीत खान पहरान जान मान और जन के। भाई साहब कहते यो जी कुछ हालत बनी छड़ दिते दस्तारे सीधे बन ले साफे पिछे रखे लाड़ मैं अर्ज करा कोई हिंदू होवे चाहे सिख होवे इस गल का किसी नूं गुस्सा नहीं करना चाहिए जेड़ा पिछे संभला रखना है मुसलमान नहीं चाहिए। लंबे भाई साहब कहने फिर हिंदू धोटियां टंगते सी सिखा ने वो चादर बनिया जिन्हां नाल गलियां का कूड़ा भी नाल संभरी दा जावे जिन्हां दे सिखी गऊ कंबा तुरक कणक है कि तुरकां दे तंबे बने तेर जिन्हां नूं देख के सिखी रूप गऊ कंबदी है कि सिखी ते रही ना भजन छुट गया पानी छुट गया कोई बोलदा नहीं कोई पढ़दा नहीं कोई कुछ करदा नहीं जे कोई पढ़दा तां मखौल करदे जब जी ना रहो रात पढ़े सुने कभी खास और जे पढ़त पास हास ते नहीं और ना उन मखौल कर रहे हैं तो कहां रब बहरा है रब बोला है तू मैनू पढ़ के सुना हालत हो इथे पंजाब विच खेल खत्म हो गई ता गुरु गोबिंद सिंह की सिखी जेड़े उथे नदेड़ विच सिख बैठे थे सतगुरां ने भाई राय सिंह नूं भेजिया कि भाई मर्यादा रहे उहदे जाणदे तो सब कुछ अंतर जामी तो जो चाहुण सो कर सकदे आ पर उन्होंने कहा कि जा हजूर साहब जाके मर्यादा लिख के लिया कुछ दिन उथे रहो जा गुरु ग्रंथ को सहे कथाऊ
गुरु ग्रंथ साहब का अर्थां दे सहित, क्योंकि भाई साहब ज्ञानी थे, वो पढ़ के आए थे अमृतसर, उन्होंने उथे हुक्म दिता। उस तो बाद हुक्म बंद किया कि कोई गुरबाणी दे अर्थ ना करे। मैं अगे अर्ज की सी कि नामधारियों नूं गुरबाणी दे अर्थ करन दा हुक्म नहीं। ता उस वक्त उन्होंने कहा कि तू उथे चलिया है, तू सहित अर्थां दे सारा पाठ करी, भोग पा देना उथे पाठ करके। पर सिंगा दी जो रीति होवे उथों दी, कि सिंह इशनान किस तरह करदे आ। मैं अर्ज करा कि जेड़ा लंगर है हजूर साहब का, मैं हुण 6 महीने साल की गल नहीं कर सकता, उहदे च मास नहीं पै सकता। जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब का गुरुद्वारे लंगर है, उहदे च मास नहीं रिझ सकता। बाहर बेशक कोई छके कुछ करे, लेकिन लंगर विच मास नहीं जाता। और जेड़ा अंदरला पुजारी है, क्योंकि लंगर विच कोई कोई सिंह लांगरी बाहर छक लेंदे न, जाके लंगर विच लग जांदे हन। जेड़ा अंदरला पुजारी है गुरु साहब दे तखत दा, उहदे उहनां दे हत्थ दा प्रसादा भी नहीं छकदा। उहदा वखरा लांगरी इक रखिया होया है, पुंजे उह बराजदा है, और सने के असीं रोज इशनान करदा है। सेठ जी ते मैं गए, असी जाके कोल बैठे, इस तरह पुंजे थड़े जे उत्ते बैठे, बचन बिलास करन लगे। कहन लगे कि मैनूं आलस हो गया, मेरी अख लग गई, ते मैं इशनान ना कीता। मैं आख्या मैं कहड़ा सुता, वह जेड़े हथियार शस्त्र गुरु साहब दे जिन्हां नूं मैं रोज सांभ के रखता सा, जिस वेले मैं रखन लगा मेरी उंगल कटी गई। उन्होंने आप सानू दसिया। हाँ जी, सिंगल रीति नित कर लिया, दिखो जे जो कुछ होते देखो वो रीति लिखो। तुमको जे को पेट चलाए, पर एक गल करनी, तुसा करना है पाठ करनी है कथा, ये कोई पेटा चढ़े वहां की वहां लिहो लाए, उथो दी लैके नहीं आनी। पेटा नहीं लैनी तुसी, पूजा नहीं लैनी। कौड़ी एक लवो तुम नाई, एक कौड़ी लैनी नहीं उथो। शादी भी करवायो नाई, उथे जावेगा तो शादियां भी उधर दक्षण च ज्यादा हो जांदियां, देखी जाके कि फसना जाई ना, जड़ माया विच ना चेतन माया विच। सब सुत जल लिया है देहो मोको, खबर सारी सानू लिया के छेदी दे भाई, कहीं मोहे भूले मत दे सो को, मेरा कहना ना भूल जाई। सुन कर राय सिंह सत मानी, राय सिंह ने सत बचन मान लिया। धन सतगुरु दे सिख जेड़े सत बचन मान लिया, क्योंकि गुरु ने जो हुक्म दिता सिख ने मनिया तो गुरमुख, जे गुरु का हुक्म नहीं मनिया मन दे आके लग्या तो मनमुख। हाथ जोड़ में बेनती डाली, इस तरह हाथ जोड़ करके बेनती करता है, प्रभु जी जाऊं अभी सुर 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 सारा, हे महाराज मैं जावांगा सारी खबर लियावांगा। देखो दसवां गुरुद्वारा, गुरु गोबिंद सिंह साहिब का गुरुद्वारा मैं दर्शन करवांगा। मोबाइल कृपा देश प्रभु करिए, कृपा मेरे उत्ते करनी, दीन दास के सिर कर सिर कर करिए, गरीब दास के सिर उत्ते हाथ धर दियो, क्योंकि ता ही कहां प्रवाह काम की जाकर बसीस धरियो गुरु हाथ। इस अवतर कहो गुसाई, सतगुरु ने सिर उत्ते हाथ रखिया और आखिया वहां ब्याह कराना नहीं, उत्ते देखी ब्याह ना करा ले। अंतर ना भूलो बद मोरे, मेरे बचन ना अंतरों भूल जाई, जाओ गुरु रखवा ये बचन ना भूलेगा, जा गुरु तेरे रखे। वो बेटा बाकी नहीं लेनी, बेटा नहीं लेनी वो तो पूजा ऊजा ऊहा ऊहा चाहिए देनी, भाई उसे जाके तो मत्था टेकना गुरुद्वारे चाहिए, उसको बेटा नहीं लेनी। सत बचन कहे राय सिंह चले, राय सिंह ने सत बचन मनिया और तुर पिया, भगवान गुर के सिख भले, गुरु के सिख सिदकी, गाड़ी रेल ना यक्का कोई, उन्हें दिनों विच ना कोई गड्डी चलती सी, ना रेल सी, ना यक्का सी, साधन ना चले थे जोई, अजे कोई नहीं सी चलते। बंद कठन पीलन को बस, राह विच पील रहते हैं, रास्ता बड़ा कठिन है, शेर बघेरे कस बिना सा, शेर बघेरे रस्ते विच मार देंदे सन।
बंदोबस्त ना होता आया अजा हूं बंदोबस्त है। संत जी कहते ने बंदोबस्त उस वक्त नहीं सी अजे कम जाते थे दखन देश। दखन देश कोई गुरु का सिख उस वक्त जाता सी जा कोई रले भी पंजा जसा सिंह जिम्मे निहंगा सिंह का डेरा सी किसी वेले रले सौ पंजा कठे चले गए पर कला दुकला नहीं सी जा सकता। ये सतगुरु का सिख हुक्म मन के तुर पिया मिलकर जाते 20-25 तो घट कोई नहीं सर जाते भाई राय सिंह जी कह रहे ओना दिन की गल है। एक भरोसा गुरु चरण को एक सतगुरु के चरणा का भरोसा भाई सतगुरु के चरणा का भरोसा जी हो सतगुरु वाल ध्यान होवे। हनुमान जी जिस वेले गए लंका विच तो सीता जी पुछते तू किस तरह आया कहना जिस वेले मैं राम का नाम लिया मैं बार तूफान बार न लागी मैं राम का नाम लेके छाल मारी मैं समुद्र टपते पता ही नहीं लगे छपड़ी जिनी देर नहीं लगी। जेडे गुरु के चरणा का भरोसा रखते हैं उन्होंने नहीं कदम तकलीफ होंगी। मूर्त गुर हो मैं धारण करके सतगुरु की मूर्त हृदय विच धारण की गुर की मूर्त मन मैं ध्यान जेडे गुरु की मूर्त का ध्यान करते हैं मन विच सुंदर चला जाद पै हर के ओ गुरु का सुंदर सिख जा रहा है पै दूर करके एक आदमी रस्ते च मिल गया और कोई नाल बातें बातें कर बखान गल्ला कर दे दो जाने तुरे जाते हैं। सतगुरु राम सिंह दे वक्त जेडे उस वक्त दे सिख से उन्होंने गल दसी है कि सतगुरु जी जो दौरे जाते सी जेडे सिख नाल जाते सन जे कोई कला तुरदा सी जा भजन करदा सी जा पानी पढ़दा सी जे दो तुरदे सन तां शब्द पढ़दे सन गल्लां नहीं सन सिखराज करदे किते। हुण साडियां रात दिन गल्लां नहीं मुकदियां साडा टाइम नहीं मुकदा। जे मैं तुहानूं मर्यादा दसां जिहड़ी सतगुरां ने सिख दी कही सी महंगों वास्ते की हुक्म सी कि पंज पाठ जप जाप दे करे पंज ग्रंथ पाणी पढ़े पंज माला पक्कियां भजन दियां फेरे इक माला भगौतियां दी फेरे चंडी दीवार का जप साहब का पाठ करे सौ पत्रा महाराज का पाठ करे ग्रंथ साहब का और अपना प्रसादा बेंगम आप पका के छके किसी के घरों ना खावे। हूँ जेड़ा इस तरह करता से हथ पैरे से गुजर जाते सर और जेड़ा गृहस्थी है ढाई माला पक्कियां फेरे घट तो घट जप जाप रह रात आरती सोहला और चंडी दीवार इन्हों पंजा बाणियों को घट ना पड़े। हूँ असं जो देखते हैं जे किसी पूछिए अमृत बनाना हो कुछ नहीं मिलता हम साडा अमृत काज भी उ करता सिख जिन्हों अमृत छका देंदे सी तारू सिंह निश्चा सी कि गुरु गोबिंद सिंह का अमृत मेरे केसा च पिया इन्हू कोई चीज नहीं कट सकती। वह कैंची ने ना कटे केस उसरे ने ना कटे केस वह खोपरी कटी गई का केस न कटे गए। हूं जे असं आप दाड़ी आके किसी से धर लीए जा आप कसकासियां कर लीए कोई हेटो मुन ली किसी ने उतो कट ली फिर असं अमृत से निश्चा रखिए तो क्यों कटिए। अमृत बनता सी अमृत गुरु गोबिंद सिंह ने तिने चीजा पाईया मंत्र जंत्र ते तंत्र। जंत्र वो है जेड़ा लिखिया जाए जा कसाया जाए जेड़ा खंडा बाटे विच कसाया है जंत्र सी जेड़ा पानी पढ़ के निगाह विच रख के बाणी पढ़ी लोग सब का मंत्र पढ़ के पानी दिन पीतिया क्यों हट जाता है वो ध्यान नाल कर देन असि ध्यान तो कोई नहीं करते असि सरबत समझ के पीने और सरबत बना के पियाने साडे चित गुरु ते निश्चा एहो जिहा ही बनिया है जो कुछ असीं हो गए हाँ सतगुरु साडी बख्शिश करे ते रखिया कर लवे ते साडे हिसाब नाल असीं किसे लायक नहीं रहे भावें असीं कुछ आखीए कोई भी है चाहे जी हाँ ये असीं बीजनाथ नहीं कह सकते कोई है महापुरख जिन्हां उत्ते कृपा है जिन्हां नूं सतगुरु ते भरोसा है और उन्हां दा कोई बाल नहीं बिंगा कर सकता। मैं हुण दी अर्ज करदा तुहानूं लालेपुर पिंड है गुजरांवाले दा जिला है बौरियां दे पास है सड़क दे उत्ते उतों के साडे संत गोपाल सिंह जी हैं जिमीदारा ने घर का जन्म है छोटे दो भरा हैं नाल उन्होंने विहार करते रहे आपकी शादी नहीं हुई छोटे भरा विहे हुए इस रौले चो निकले चूड़काने दे आए कंप विच ते गड्डी चढ़न वास्ते आप आते हैं 14-15 सिंह नाल हैं इस तरह रेल की लाइन उत्ते बैठे हैं मुसलमाना की फौज गड्डी च बैठी है कोलों की गड्डी लंघा रहे हैं और घूमते तुरे जाते हैं पिछले पासे दे भी सारे मर गए जेड़े नेड़े बैठे थे अगले दे भी मर गए 14-15 नूं सेक नहीं लगा उन्हां महापुरखां दी कृपा नाल। ये कोई पिछलियां गल्लां नहीं मैं करदा ओ नाम नूं तां कदे भी कोई जपे जदों भी चाहे सतगुरां ने क्यों आख्या कि सर्व रोग का औखद नाम
ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਮੰਨੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਆਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਂਝ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਾ ਉਦੋਂ ਕੜੂ ਲੈ ਕੇ ਕੌੜ ਖਾ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅਪੜੇ, ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਲੈ ਆਂਤੀ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਕਹੀਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਭਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ ਅਮਰਾ ਪੁਰਬਾਸਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਸੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆ ਬੁਝਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸਾ ਜੋੜਨ ਪੈਂਦਾ ਚੂਰਨ, 800 ਕੋ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਬ 1400-1500 ਮੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀਨਾ ਤੂਰਨ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਗਏ ਮਾਹੇ ਤਹਿ ਆਇਓ, ਜੰਗਲ ਰਾਹ ਮਾਹੇ ਤਹਿ ਆਇਓ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗਲ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਿਨੇ ਸੁਣਾਇਓ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰਸਤੇ ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਇਸ ਬਣ ਮੈਂ ਹੈ ਕੇਰ ਭਾਰੀ, ਇਸ ਬਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਗੋਰੇ ਤਾਏ ਰਹੇ ਰਖਵਾਰੀ, ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸਤੇ ਚ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਕਿਤੇ। ਆਈ ਤੁਮਕੋ ਰਾਤ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਬਾਹਰ ਨੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ। ਦੋਨੋ ਜਾਵਿਆ ਸੀ ਸੁਣ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਭਾਈ ਰਾਤ ਪੜੀ ਸੋ ਰਹੀਏ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੋ ਰਹੀਏ, ਚੌਕੀ ਚੌਕੀ ਬੀਜ ਦਵਾ ਸੁਖ ਪਈਆ, ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੇਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਸਮਝਾਏ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਏ ਪਰੇ ਲੈ ਹੈ ਮਤ ਕਾਏ, ਮਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਥੀ ਕਹਾ ਸੁਣੋ ਮ੍ਰਿਗ ਭਾਈ, ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਭਾਈ ਮ੍ਰਿਗਰਾਈ ਸਿੰਘਾ ਖਾਲਸਿਆ, ਮੈਂ ਲਗੀ ਠੀਕ ਮਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਡਰਾਕਲ, ਕੱਚਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਡਰਾਕਲ, ਕੱਚਾ ਵਾਲੇ ਡਰਾਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਛ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਕਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੁਖਣ ਕਹੇ ਮਤ ਮੂੜਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣਤ ਕੂੜਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੂੜਾ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਓ ਸਿੰਘ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚਲੇ ਜੋ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਘਟਮੈ, ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਂ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਣੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਲਾ ਗਲ ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਰਖ ਹੂੰ ਕੋ ਸਾਰ ਨਾ ਸਿੱਖੀ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ,
तिखी है तेग पर तिखी सिखी तिखी तलवार है। गुरु जी कहने खन्ने तिखी वालो निकी ये तो मार्ग जाना गुरु अमर देव जी महाराज आनंद साहब विच कहते हैं। तिखी जो नैन से तिखी तिखी है जेडी नेत्रा नाल देखी है उस तार नू हथ नाल नहीं मैं दस सकदा कितनी बारीक है। भाई गुरदास कहना है गुरसिखी बारीक है खंडे तार गली अद पीड़ी उथे टिका है ना पुणहना ठहर ना सका है उपर कीड़ी। तिखी मेटे पिद कर लिखी कहने मैं देखी है गल पिद दी लिखी हुई ब्रह्मा दी लिखी हुई सिख मेट सकता है। सुन लो गल हुण इत्थे चल पैंदे आ अगली गल जिहड़ी कल नूं गुरु करे। भाई सवेक सिंह जी जंबर गोत सवेक सिंह एक सिद्धकी हुतो महाने जंबर पिंड जंबर जिन्हां दा गोत माझे दे रहण वाले लाहौर दे जिले दे खान नवाब कोल नौकर लाहौर विच उन्हां दा लड़का सबाज सिंह उह पढ़दा हुंदा मदरसे विच। मदरसे च पढ़दिआं मौलवियां नाल झड़प हो गई हुंदिआं हुंदिआं गल लड़का बड़ा त्यार पर त्यार सी बड़ा होशियार सी। उन्हें मुसलमान ने आख्या सिख बुत पूजो कहिंदा बुत पूज तुसीं मक्का की चीज है तुहाडा कबरां की चीज है तुहाडीआं जिन्हां नूं तुसीं पूजदे हो। गल कोई आई ना काजी ने आके आख्या खान बहादुर नूं कि इह मुंडा बड़ा जवान तराश है इस नूं मुसलमान बनाउणा चाहीदा। भाई साहब नूं भी सद लिया। भाई साहब ने आख्या मैं तुहाडे कोल कम करदा गुरु के सिखां च जाके वकालत करदा उन्हां दी कोई गल तुहानूं दसदा नवाब तू जानना है सिखां दे मुंडे भी कदे मुसलमान हो सकदे ना। नवाब हटिया पर मुंडे दे मत्थे च कितें लिखिया होया सी मुसलमान होना। जिस वेले लड़के दे बन के केस छत दे नाल उहनूं मारिया उह कहिंदा मैं मुसलमान हो जाना। मुसलमानां दे घर ते शादियां हो गईआं भी अज तक इक सिख ने भी नहीं सी आख्या मैं मुसलमान हो जाना। कितने कतल हो गए माइयां दे चोलियां च बच्चे कतल कर करके पाते पर उन्होंने मंदी नहीं सी। भाई सवेक सिंह नूं बुलाया हवालदार चों सद के सामने लड़के नूं बुला के कहिंदे तेरा मुंडा ते मन गया कहिंदा मेरे सामने लियाओ। इस वेले सामने लियांदा लड़के ने आख्या मैं मुसलमान हो जाना पर सिख दा दिल जानदा है जिन्नी उहदे दिल नूं सट वजी। नेड़े होके देखिया सवेक सिंह गुरु का सिख सी। भाई ज्ञान सिंह जी ज्ञानी कहने तुरक होने की रेख ता है के माथे देखी लिखिया देगी वे मथे के तुरक होना है। सिख नु दिस पिया क्योंकि सिख दे गुरु ने नेत्र बनाए हुए थी साडे वर्गिया नहीं आखा वाला सिख नहीं सी। सर सतगुर को ध्यान काम यकीन बसे गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा नाल जुड़िया ध्यान लगाया की कम कीता संत नाम का रेत जरा ताके मुख पायो। एक चूंडी रेत भी चुकी भजन दा लिया ना उहदे मुंह च पाई और अपने चरण दा सज्जे दा दूठा उहदे मत्थे नूं दा मार रेख मैं मेख बालक की बुद्ध फिराई मैं नहीं बन हो तुरक जान के ना हमारी जाई। उथे ही लड़का मुकर गया। खान बहादुर कहिंदा है ओए की कीता होए सवेक सिंह कहिंदा इहदे मत्थे च लिखिया सी तुरक होणा कहिंदा तू झूठ बोलदा कहिंदा नहीं मैं झूठ नहीं बोलदा देख लै मुड़ के लड़के नूं लिजा के केस बन के छत नाल तत्तियां सीखां कर करके शरीर नूं लाइयां लड़के ने ना ही मन्निया मुसलमान बनना। गुरु के सिख लिखी हुई मेट सकते हैं। फिर नवाब दे चित च आया कि मैं तेनूं अजमाउणा तब नाथ लाजम ने तुर ते घोड़ी मंगवाई घोड़ी गबन मंगवाई कहिंदा इस घोड़ी के पेट माए बछेरा है कि बछेरी। सिंह कहिंदा ना बछेरा ना बछेरी इस घोड़ी के पेट माए नर खजरा है पेट माए इसके रंग काला माथा पांव सफेद पेट पर लखन बिसाता। इहदे पेट विच खच्चर है और वो नर है उहदे चारे पैर चिट्टे हैं मथा चिट्टा है और उहदे पेट उत्ते एक लसन है। तब नाजिम ने तुरत पेट घोड़ी च रवायो लिखियो खच्चर तैस जैसविंद सिंह हलायो। सिख नूं गुरु गोबिंद सिंह उत्ते अवान सी साडे अवान खराब हो गए। जे असीं कहीए कि तैनूं बेईमान तां मनदा नहीं पर अपने अपने अंदर असीं झाकियां मारीए साडा है अवान गुरु उत्ते। सतगुरु साडे ते बख्शिश करे सानूं अवान बख्शे सानूं सिद्ध बख्शे ये उहदी बख्शिश है जे बख्शे साडी कोई वाह नहीं असीं कुछ नहीं कर सकते साडा कोई तान नहीं असीं कुछ जाप ना ताप कुछ कर नहीं सकते जे उह ना करावे। फिर नवाब कहिंदा अच्छा भाई इहदे तां पेट चों निकलिया तूं मैनूं दस मैं कदों मरना। सिंह जी कहो पुकार बीच 35 दिन के तुम मरना।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਤੂੰ 35 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਗਰੋਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਬ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ 35ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵਾਬ ਮਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕੱਲ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਸੰਦ ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ 100 ਕੋਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮੁਰਖਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਵੇਗਾ ਦੱਸੇਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਨੇ 350 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਭੇਟ ਚੜੀ ਅੱਜ ਉਹ 3000 ਕੀ 30000 ਵਰਗਾ ਗਿਣ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀਬ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ 15-16 ਸੰਮਤ 1900 ਬਿਕਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ 95 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨੀ ਲਿਆ ਰਸਤੇ ਚ ਖਰਚਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੂਹ ਤੇ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਈ ਉੱਥੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਥੈਲੀ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਛ ਤੇ ਹੇਸ ਦੀ ਦੇ ਲਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ 5-7 ਕੋ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਖੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਨੇਮ ਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਅਵਸਾਰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵ ਨਾ ਪਾਓ ਪਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਆਇਓ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਪਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤਜੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ ਤੀਨੋ ਜੁਗ ਤੀਨੋ ਦੜੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਭਾਵ ਭਗਤ ਤੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਲਯੁਗ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਠਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰਡ ਉਦਗਾਰ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਵੇ ਕਿੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲੜਾ ਲਵੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗਰਡ ਉਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਡ ਉਦਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਔਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਮਿਲਾ ਜਬ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵੀ ਹੈ ਜਬ ਆਵੇਗੀ ਬਾਰੀ ਚਿਰਨਕਾਲ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਫੇਰ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਬਲ ਐਮ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਲ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂਹੋਂ ਕਢਾਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਲੇ ਜਨਾਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਅਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ
और पढ़ के अर्ज करया करो कि ए भाव साडे हिरदे ते बसे तो साडा मनुखा जन्म सुखला हो जाए, गुर सेवा दे भगत कमाई तब ए मानस देखी पाई। इसे ही को सिमरै देव सो दे ही भजा की सेव, भजाओ गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग आया, जब लग पिकल पही नहीं पानी, भज लाए रे मन सारंग पानी, अब ना भजस तो भजस कब पाई, अब अंत न भजे जाई। जो कुछ करे सोई अवसार, फिर पछताओ न पावो पार। आई मनुखा दे मिली है, गुरु साहब ने मनुख दे दिती है। कबीर जी कहते हैं चार पाव तो सिंह कुंभ मुख तब कैसे गुण गई है, उर्त बैत ठेगा पर है तब कद मूड लुकई है, हर मेरे बैल बराने हुई है। किसे जन्म विच मनुखा दे तो बगैर नाम नहीं जपया जा सकता। भाई नाम जपो, अरदास करो सतगुरु अगे, और प्यार करया करो एक दूसरे नाल, थोड़ी थोड़ी गल दे उतो, एवे ना लड़ो, दूर दूर ना जाओ। मैं अगे दिने भी अर्ज कर आया, मैं फिर हुण अर्ज करांगा नाम तारियां अगे। जे कोई किसे दा थोड़ा बहुता रौला झगड़ा है वो आपस विच बह के मुका लो, नहीं सूबियां कोल बह के मुका लो, चार शरीर बह के मुका लो। जेड़ा नहीं जे मैनू हुक्म करोगे, जेड़ा कुछ मैं कर सकदा, कल दा दिन परसों दोपहर तक मैं रहना है, ताकि तुसी पिछले वितकरे छड्डो, अगे नूं सीधे रस्ते लगो, गुरु अगे अर्ज करो कि साडे उत्ते कृपा कर, साडे तों बुरा कम होवे ही ना, क्योंकि तेरे सदाने आ करदा। जिस वेले भाई जोगा सिंह हुशियारपुर जांदा, साहिब सच्चे पातशाह उत्थे चौकीदार बन के जाके कहने नूं, तेर कशहरा ते सिद्धी पाग सिख होए क्या करें भरा, तू अपनी पग वाल देख, अपनी दाढ़ी वाल देख, उस सिखा तू की करदा। पर सतगुरु पहरा देवे तो सिख बचदा है। जरा भाई नूं मान हो गया सी भी मैं तेरे लावां लेके छड्या, देखो मान नहीं कर, सतगुरु अगे अरदास करो तुहाडे उत्ते कृपा करे। हुण इत्थे भोग पाउंदे आ, जिन्हां ने जाना होवे उन्हां जाना, जिन्हां बैठना ओह बैठण, ओह अपना घड़ी आनंद लै लैण। पता नहीं अज कल के चौदनी ओढ़ दिनी दसी ए सुहावे बाग छोवांगे ना, पता नहीं की होना है। ये मनुखा दे मिली है, इस नूं सुख कर लो। इस नूं किसे ने कवि जी ने किया, नाम ते कबीर जी का लिखा कि बरस 12 जल्द 18, बैठे हो 12 सुहास, तुरद हो 18, सुगत जाए तीसा, सुत्या हो 30 जाते लोने चिर विच, बैठन करने चौस्त जावे। जे विषय विकार भोगदे हो तां चौस्त जांदे ने, क्यों ना भजे जगदीशा, जब 1000 रोज दा खर्चा ते आमदन मूल ना सीवे, जिस बंदे नूं इन्ना घाटा सो बंदा क्यों जीवे। ये कुछ है, तुसी अपने वल ध्यान दिओ। तां ही तां साहिबां ने नाम जपण वास्ते सतगुरां ने 2.5 माला दा हुकम दित्ता कि 24,000 वेर भजन हो जाए, इक सुहास नूं तां इक वेर आ जाए। सुखमणी साहब दे पाठ दा 24,000 अक्षर है जिहड़े पढ़दे हन, इसे करके वो पाठ करते हैं कि एक एक अक्षर तो आवे, एक एक वेर आवे सुहास। भाई कुछ ना कुछ मेरे उत्ते भी कृपा करो, मैं कहने वाला ही ना, कुछ दान मिले साध संगत को, जरा होर अगा हो जिस तरह सहस कटे लख को उठतावे, जे 1000 हो जाता है ते लख दी चाह करदा है, इस तरह एवं भी करो भी अज असीं इन्नी बाणी पढ़ी है, इन्ना नाम जपिया, कल नूं होर इतनी ज्यादा जपिए, होर जपिए। कोई दीवान नंद लाल जी कहने खुश है उम्र के दर याद पे गुजर, अच्छी है उम्र, भली है उम्र जो दर याद पे गुजर, याद दे विच गुजरती है, वरना की हासिल है सदी गुंबद कबूत मरा नहीं ते, ते की हासिल है नीले गुंबद विच। एक महात्मा संत एक पिंड विच जांदे हन, मरिया विच जाके क्या देखते हैं कि किसी की उम्र 3 साल लिखी हुई है, किसी की 4 साल लिखी हुई है, 5 साल तो बाद किसी की उम्र नहीं लिखी हुई। शहर विच गए, पिंड विच गए, लोग बड़े बड़े देखे, तौलियां तारियां वाले बैठे, तो हैरान जे हो गए। संत कहते चौधरीओ परसो असी आए हाँ, असी मरिया विच देखी है आ चीज, तुहाडे पिंड विच आए हैं, तो तुसी बड़ी बड़ी उम्र की गुरते हो, कहने महात्मा जी आओ बैठो बराजो, तो उन्होंने बहा के कहते महाराज साडे पिंड विच एक चीज बनी हुई है, हर एक आदमी ने अपने अपने कोल लिस्ट रखी हुई है कि वह सत्संग रोज कितना करता है, नाम कितना जपता है, जेड़ा वह रोज करता है, करी करे अभी करी करे दो करियां करे, और रोज अपना लिखता रहता है। महाराज जदों गुजर जाता है तो वह किसी का नहीं होंगे, इस करके अभी वो लिखी हुई है, क्योंकि उम्र तो वही है ना।
कुछ उम्र के तारी याद में कुछ तो भाई जो कुछ हुंदा करो सतगुरु अगे अरदास करो। समा बड़ा भयानक है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने जो कुछ ये वास्ते लिखा होया बड़ा अजे ना समझो कि अभी पंजाब ते जाती बंगाल ते रौला मुक गया। सृष्टि सारी उन्होंने लिखा कि रौली पवे देश सब रौला है। सारे देश रौलने बचा करो। देखो हाल की हो रहा है, किस तरह नेरियां चल रही हैं। उत्तों उत्तों साडे वांगू जेडे वड्डे वड्डे इस वेले साडे वड्डे वड्डे सान हैं संडे समझो कुछ समझो पिंडन वाले वो उत्तों उत्तों तो कहने नहीं बैठ के लीग बना के ते लड़ाई बंद करिए। कोई आटम तैयार कर रहा, कोई हवाई जहाज तैयार कर रहा, कोई तोपा तैयार कर रहा, कोई बारूद तैयार कर रहा, कोई फौजा बहुतियां बना रहा है। हुण इहों ते गल नहीं ना होंदी मैं मुंडिया नूं मगर कहां तकड़े हो भाई असीं नाम सुनी इज्जत लाउणी है ते उत्थे जा के आखां सरदार जी जान देओ आपां आप तों राजीनामा कर लईए। अक्सर वो जेने मगर वे खड़े ने उन्होंने तो आगे गल पा ही जाना है। हूँ असं एक पास फौजा तैयार कर दे जहाज बना दे अमरीका ने इन्ने बना ले रूस ने इन्ने बना ले अंग्रेज आ कुछ कर रहे हर एक आदमी लंगोटे कस रहा है। तो यह जो कुछ हो रहा है ये फिर कुछ बंद नहीं कर सकता। करते पुरख की लिखी हुई है, गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म है, इसको कोई नहीं मेट सकता। सतगुरु राम सिंह ने दसिया कि भाई सूरज लैन चढ़िया बन लिया जो सच्चे पातशाह कलगी वाले ने लिखा वो सर सर पूरा वर्त ओनू कोई रोक नहीं सकता। एक चीज है जिस तरह उन्होंने हुक्म दिता कि जेडे नाम जपन गए जिस तरह किली के कोल दाने बच रहे ने चक्की जो बच रहे नाम जपया करो अर्ज करया करो कि साडा मुंह नाम जपन वाला बना साडा दिल नाम जपन वाला बना साडे उते बख्शिश कर रहमत बख्शिश तो बगैर असि गिनती नाल कदे कुछ नहीं कर सकते। असि अपनी गिनतियां नाल जे कृपा कर दे तो उत्थे कहड़ी वड्डी गल है। एक पातशाह का जे चित करे जेड़ा बना स